नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गिरी आप लोगों के समक्ष एक और पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गोखरू। इसको हिंदी में गोखरू या छोटा गोखरू, इसको उर्दू में भी गोखरू, इंग्लिश में डेविल्स थॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नाम जो है ट्रिब्यूलस थेरेस्ट्रिस। गोखरू, ये जो पौधा आपको दिखा रहे हैं ये गोखरू है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो है गोखरू है। ये हो गया आपका पत्ता, ये पीछे जो है ये हो गया आपका कांटा, इसका बीज है। इस बीज में छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से। इसमें पीले पीले फूल भी रहते हैं, देखिए फूल निकल रहा है, देखिए फूल निकल रहा है ना। तो गोखरू उन जड़ी बूटियों में से एक है जो वात, पीत और कफ तीनों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। गोखरू वर्षा ऋतु में जमीन पर फैलकर बढ़ने वाला पौधा है होता है। इसके तने 1.5 मीटर लंबे और जमीन पर फैले हुए रहते हैं। इसके फूल पीले तथा फल छोटे, गोल, चपटे, 5 कोण वाले, 2 से 6 कंटक युक्त एवं अनेक बीज होते हैं। इसकी जड़ मुलायम रेशेदार 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। गोखरू जो है अगस्त माह से दिसंबर माह में फलते फूलते हैं। देखिए, ये जो है गोखरू के बीज जो है, ये पत्ते हो गए, ये जो है अगस्त माह से दिसंबर माह तक फलते फूलते रहते हैं। गोखरू के गुण जो है अनगिनत है, जिसके कारण ही यह सेहत और रोगों के लिए औषधीय के रूप में काम करता है। गोखरू वात, पीत, सूजन, दर्द को कम करने में सहायता करने के साथ साथ रक्त पित्त अर्थात कान नाक से खून बहना से राहत दिलाने वाला, कफ को दूर करने वाला, मूत्राशय संबंधी रोगों में लाभकारी, शक्तिवर्धक और स्वादिष्ट होता है। इसके सेवन से मूत्र अगर कम हो रहा हो तो वह समस्या दूर हो जाएगी। आप लोग ध्यान से देखिए, ताकि कोई भी जड़ी बूटी है उसको पहचान कर लेना ही सबसे बड़ा सहूलियत है, सबसे बड़ा ज्ञान का बात है, उसको पहचान लीजिए। तो ये जो इसके गुण है, सारा गुण जो है सबसे लाभकारी होता है। पथरी, ये जो गोखरू है, गोखरू पौधा जो है, इसमें पथरी की बहुत बड़का भूमिका है। पथरी, जिनको पथरी की शिकायत है वे गोखरू के पंचांग हो गया, फल, ये हो गया फल, फूल, पत्ते, डाल और जड़, इस सबको मिलाकर पंचांग बोलते हैं। तो पंचांग को उबालकर उसके काढ़े को प्रातः सायं सेवन करें, इससे पथरी जो है निकल जाएगी और पुनः पथरी होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। किडनी, आजकल लोगों को बहुत किडनी के भी शिकायत है, तो जिनको किडनी की शिकायत है, जिनको किडनी में संक्रमण एवं बार बार पथरी बनने की शिकायत हो, वे गोखरू के बीज तथा
कुल्थी की दाल को बराबर मात्रा को मिलाकर कूटकर 10 ग्राम पाउडर को 600 ग्राम पानी में पकाए, जब एक चौथाई बच जाए तो उसे छानकर पिए। इससे किडनी का संक्रामक एवं पथरी बनने के कारण खत्म हो जाएगी। बहुत ऐसे लेडीज हैं जिनके बच्चे हो जाने के बाद कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है जिसमें गर्भाशय में भी कुछ दोष रहते हैं, तो गर्भाशय में भी जो है गोखरू बहुत ही कारगर औषधि है। गर्भाशय के दोष जो है, जिन महिलाओं को बच्चा होने के बाद गर्भाशय में कुछ दोष रह जाता है, वे गोखरू के बीज का काढ़ा बनाकर कुछ समय तक सेवन करें। इससे गर्भाशय का सूजन एवं संक्रमण की परेशानी दूर हो जाएगी। गठिया, ये गोखरू जो है गठिया में भी काम आती है। गोखरू जिनको यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से ज़्यादा हो एवं उनके लिए गोखरू बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए गोखरू, सोठ, हारसिंगार, मेथी और अश्वगंधा को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर बना ले और सुबह शाम सेवन करें। इससे बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाएगा, उसके बाद होने वाली गठिया की परेशानी एवं पैरों में सूजन में बहुत ही आराम मिलेगा। खांसी, गोखरू जो है खांसी में भी काम आता है। एक बात आपको और बता दें, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग लाइक, कमेंट तथा सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप लोग आसानी से देख सके। खांसी जो है, जिनको खांसी की शिकायत है, वे गोखरू, तुलसी की पत्ती, थोड़ा सोंठ को कूट कर सेवन करें तो खांसी में भी लाभ होगा। बहुमूत्र, जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक कर पेशाब होता है, या बुजुर्गों को प्रोस्टेट की शिकायत है, वे गोखरू के पंचांग एवं काला तिल को बराबर मात्रा में मिलाकर पाउडर कर सुबह शाम सेवन करें। इससे बहुमूत्र में बहुत ही लाभ होगा। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तथा बेल घंटी को अवश्य बजा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको आसानी से देखें और इसका लाभ उठावें। धन्यवाद।